नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत जो आपने माली प्रशिक्षण के लिए आवेदन फॉर्म फिल किया था उसका रिजल्ट आ चुका है, वो रिजल्ट हम कैसे ऑनलाइन देखेंगे और रिजल्ट में आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद की प्रोसेस क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत जो आपने माली प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया था उसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो माली प्रशिक्षण का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले mps.mp.gov.in ये वाले पोर्टल पर आना है, जिस वाले पोर्टल से हमने आवेदन किया था। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों हमें कृषक पर क्लिक करना है और यहाँ पर माली प्रशिक्षण के बाद में लॉटरी द्वारा चयनित कृषक की सूची का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमें सिंपल से क्लिक करना है। साथ ही दोस्तों, ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे जहाँ से आप अपना माली प्रशिक्षण का जो रिजल्ट है वो आसानी से देख सकते हैं। लॉटरी द्वारा चयनित कृषक की सूची पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें स्क्रॉल कर सबसे नीचे आना है और यहाँ पर हमें 86 नंबर पर माली प्रशिक्षण RKVY माली प्रशिक्षण है तो आवेदन, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे हमें स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन है तो इसको हमें स्क्रॉल कर इधर लाना है और सामने ही दोस्तों इसको डाउनलोड वाली लिंक पर हमें क्लिक करना है। जैसे ये वाली लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक नई टैब खुलकर सामने आएगी और कुछ इस तरीके से हमें PDF में एक लिस्ट दिखेगी। तो कुछ इस तरीके से हमें एक लिस्ट दिखेगी जिसमें लॉटरी द्वारा चुने गए आवेदकों की जानकारी, तो यहाँ पर शेड्यूल क्रमांक, शेड्यूल दिनांक, लॉटरी खोलने का दिनांक, योजना, प्रशिक्षण का प्रकार, तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा जिसमें सबसे पहले क्रमांक, जिले का नाम, विकास खंड का नाम, पंजीयन क्रमांक, कृषक का नाम, पिता या पति का नाम, वर्ग, उसके बाद में चयनित दिनांक और समय दिखेगा और यहाँ पर चयन की स्थिति, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। जिस कृषक का आपने आवेदन किया था जिसका सिलेक्शन हुआ है तो उसके सामने सिलेक्टेड लिखा हुआ है। जो भी जिले के आप मध्य प्रदेश के जिस भी जिले में आप निवासरत है, जिस भी विकास खंड में निवासरत है, तो यहाँ पर आपको कृषक का नाम दिखेगा। तो आप अपना नाम यहाँ पर सर्च कर ले और अपने नाम के आगे जो है सिलेक्टेड लिखा हुआ है तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। और दोस्तों, कुछ दोस्तों का जो है यहाँ पर वेट लिस्ट में भी नाम है, तो दोस्तों इसमें जिनका सिलेक्शन हुआ उनका सिलेक्टेड लिखा हुआ है और जिनका वेटिंग में नाम है तो यहाँ पर आपको वेट लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप अपना नाम यहाँ पर सर्च कर ले और साथ ही दोस्तों ये वाली PDF की लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे जहाँ से आप अपनी माली प्रशिक्षण की जो सूची है उसमें अपना नाम चेक कर सके और यदि आप सिलेक्टेड है तो उसके बाद की जो प्रोसेस है दोस्तों आपको कृषि विभाग द्वारा जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से माली प्रशिक्षण के जो आवेदन फॉर्म फिल किए थे और जिनका रिजल्ट आ चुका है वो रिजल्ट आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में जो भी आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप अपनी नज़दीकी कार्यालय, जो भी कृषि विस्तारक अधिकारी है, उनसे आप संपर्क करें और आगे की प्रोसेस वहाँ से आपको समझनी रहेगी। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।